इस फॉर्मूले का खासियत यह है कि मोथा घास को जड़ से ख़त्म कर देगा, इसका जो गांठ होता है वहां तक को यह ख़त्म करेगी, जो कि लाडिस नहीं कर पाती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मक्के के खेत में खरपतवार नाशक के बारे में बात करेंगे। आज हम दो फार्मूले के खरपतवार नाशकों का छिड़काव करके इसका रिजल्ट देखेंगे। इससे पहले हम मक्के के खेत में जिस खरपतवार नाशक का छिड़काव करते थे वो है ये लाडिस, देख सकते हैं छोटा वाला 57 ml प्लस 200 ml का, ये 800 रुपये में आपको मिल जाएगा। अल्ट्राजिन 50%, ये दोनों मिला करके हमें 800 रुपये पड़ा है, 250 ग्राम का ये, और ये जो आप देख सकते हैं 250 ml टोटल मिला करके। तो ये छोटा पैक आधे एकड़ के लिए है, इसका बड़ा पैक भी मिलता है जो एक एकड़ के लिए होता है, करीब 1500 से 1600 रुपये के आसपास में मिलता है। इसी का हम छिड़काव करते हैं मक्के के खेत में। किसान भाइयों, इन दवाइयों को ख़रीदने के लिए जो ऑनलाइन लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी किसान भाई के क्षेत्र में कृषि संबंधित दवाई दुकानों में आपको ये दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, ये खरपतवार नाशक नहीं मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये मोथा घास को ऊपर से मारती है, पूरे जड़ से ख़त्म नहीं करती है। तो इसलिए इस मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए हम एक फार्मूला और अब इस्तेमाल करेंगे, यह है सेम्प्रा। सेम्प्रा का जो फार्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर, हेलोसल्फान मेथाइल 75% WG, यानी कि ये ग्रेनुअल फार्म में है। तो इसको 3.6 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना है, यानी कि ये सिर्फ एक टंकी के लिए है। 36 ग्राम आपको 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ में स्प्रे करना है। इसका इस फार्मूले का खासियत यह है कि मोथा घास को जड़ से ख़त्म कर देगा, इसका जो गांठ होता है वहां तक को यह ख़त्म करेगी, जो कि लाडिस नहीं कर पाती है। ठीक है, तो खासकर हम प्रैक्टिकल के बेस पर हम इसका छिड़काव करेंगे और देखेंगे कि हमारा सेम्प्रा जो है ये इस मोथे को पूरी तरह से ख़त्म कर पाती है या नहीं। और बाकी जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एरिया में मक्का लगा हुआ है, उसमें हम लाडिस का छिड़काव करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट बेहतर है, हमने पहले भी देख चुका है, और इसको प्रैक्टिकल बेस पर अभी हम छिड़काव करेंगे। तो किसान भाइयों, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें इसका अपडेट आप लोगों को बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है और कितने दिनों में पौधे मर रहे हैं। और इन दवाइयों का छिड़काव आपको कब करना है, देख सकते हैं ये मक्के का जो पौधा है करीब 2 बित्ते का हो जाता है, जब तब आप करिए, जब सब सारे घास उग जाते हैं खेतों में उस समय आपको इसका छिड़काव करना है। तो हम लोग देखेंगे कि लाडिस बेस्ट है या सेम्प्रा बेस्ट है। जो हमने लाडिस और सेम्प्रा का प्रैक्टिकल किया था उसका रिजल्ट आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने 2 जुलाई 2021 को मक्के के खेत में लाडिस और सेम्प्रा का छिड़काव किया था, और उसका नतीजा आज देखेंगे, क्योंकि हमें नतीजा देखने को मिल रहा है 9 जुलाई 2021 से। आज 7 दिन हुए हैं छिड़काव किए हुए। इसका छिड़काव करने पर एक टंकी का खर्च 160 रुपये आ रहा है, और सेम्प्रा का छिड़काव करने पर एक टंकी का खर्च 200 से 240 रुपए आ रहा है। रिजल्ट आप इसका देखिए, चौंकाने वाली बात है कि हमने जब लाडिस और फुस्ट को मिला करके छिड़काव किया तो इसके घास देखिए अब 7 दिनों में मरने लगे हैं, पूरे खेतों में सारे घास सफ़ेद हो गए हैं, जलने लगे हैं और ये मरने भी लगे हैं, और मक्के के पौधे बहुत ही स्वस्थ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, जहाँ सेम्प्रा हमने छिड़काव किया था यहाँ देखिए पूरे घास में हरियाली है, बहुत ही कम घास मरने की स्थिति में है, करीब 20 से 30% घास ही थोड़े थोड़े मरे हुए लग रहे हैं, बाकी सारे घास जो है पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है 7 दिनों के बाद भी। तो क्या यह सेम्प्रा कोई काम नहीं करा? और यह बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डेट भी ओके है, 2022 तक एक्सपायरी है, मैंने कोई एक्सपायरी डेट की दवा का भी छिड़काव नहीं किया है, और उतना ही डोज छिड़काव किया है जितना करना चाहिए होता है। किसान भाइयों, सेम्प्रा के छिड़काव के 14 दिनों के बाद
आज हम मक्का के खेत में आए हैं और यहाँ पर जो मोथा घास है इसका कंडीशन देखेंगे कि यह घास कहाँ तक ख़त्म हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोथा घास अंदर तक सड़ गया है। ये देखिए, जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो अंदर से बड़े आसानी से यह निकल के आ जा रहा है। ऊपर में भले ही थोड़ा हरा दिख रहा है लेकिन भीतर में ये देखिए ये सड़ चुका है। और जहाँ पे सिर्फ लार्डिस का छिड़काव हुआ है वहाँ के मोथा घास को मैं आपको खींच के बताता हूँ जा करके। किसान भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ लार्डिस का छिड़काव हुआ है और मोथा का जो गांठ है ये बिल्कुल भी नहीं मरा है, ताज़ा है। बाकी ऊपर से इसका पीलापन होता हुआ आ रहा है, तो ये ऊपर का हिस्सा ही मरेगा, नीचे नहीं मरेगा। लार्डिस के छिड़काव से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से मजबूत है। देखिए, मैं इसको जब खींच रहा हूँ तो भी ये खींचते नहीं बन रहा है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही सफ़ेद हुआ है। और इसको जब मैं ज़ोर लगाकर भी खींच रहा हूँ तो भी देखिए ये नीचे कितना ये ताज़ा है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसके गांठें नहीं मरी है और ये आगे और भी वृद्धि करेगी। तो यह डिफरेंस समझ में आ गया सेम्प्रा के छिड़काव और लार्डिस के छिड़काव में। तो जो भी किसान भाई अभी मक्का का खेती किए हैं और खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे हैं, आप लोग अगर परेशान हैं मोथा घास से तो आप लोग ज़रूर सेम्प्रा का छिड़काव करिएगा। साथ में ही दूसरे घासों को भी मारने के लिए लार्डिस को भी मिक्स कर सकते हैं, या तो 7 दिनों के बाद लार्डिस का छिड़काव कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे घास नहीं मर रहे थे इसलिए मुझे इस पर फिर से लार्डिस का छिड़काव करना पड़ा। फिलहाल तो इतना है कि सेम्प्रा इतना अच्छा काम कर रही है, काफ़ी सही लग रहा है कि ये मोथा घासों को ख़त्म कर देगी। देखिए, ये देखिए ख़त्म कर देगी इसको। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई प्रैक्टिकल बेस्ड जानकारी किसान भाइयों के काम आएगी और भी ऐसी ही प्रैक्टिकल बेस्ड जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके और वो लोग एक फसल लेते हुए भी मोथा घास से छुटकारा पा सकें। तो अगर किसान भाई आप लोग मोथा घास मारने के लिए ग्लाइफोसेट 71% का छिड़काव करते हैं तो आप लोग 30 दिनों तक खेतों में कोई भी रोपाई या बिजाई नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपका समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप मक्के की बुआई करें और उसके बाद में मक्के के खेतों में जब घास उग जाए पूरी तरह से तब आप मोथा घास मारने के लिए सेम्प्रा का छिड़काव करें, जब भी मक्के का पौधा 30 से 35 दिन हो जाता है तब। अब इसके अगले सीजन में जब मैं इसमें गोभी की खेती करूंगा, जब मैं इसमें अभी फूल गोभी की खेती करेंगे सितंबर अक्टूबर में, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा मोथा था, अगर यहाँ पे नहीं उगती है गांठें तो मैं और एक अपडेट दूंगा आप लोगों को। बट अभी मुझे जो लग रहा है कि यह दवा काम करी है और इसका नतीजा अच्छा है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।